में हम लोग कलर पेपर के स्ट्रिप के साथ तितली का ढांचा बनाई जाए, एकरे खातिर अपने के कलर पेपर का स्ट्रिप लगी और गोंद भी। पहले 2 x 30 cm x 2 cm वाला लंबा पेपर का स्ट्रिप ले लें, फिर दोनों के लगभग 1/4 हिस्सा में मोड़ के ऊपर गोंद लगा लें। आप लोग देख सके नीचे कितने गोंद के हल्का से सूखने के बाद ओकर दूसर छोर ऊपर चिपका लें ताकि यू दिल के आकार का या पन्ना के आकार का दिखे। ये पत्ता के आकार का भी लगेला। ये अपन का अपन तितली का एक हिस्सा बन गई पंख का। यही तरह ओकर पंख का दूसर हिस्सा आप लोग कलर पेपर का दूसरे कागज से बना सके नीचा। आप लोग देख सके नीचा कितने ओहू के दो हिस्सा में बना के ओके गोंद से चिपका लें। आप लोग देख सके नीचा कितने ऐसा कैले के बाद ऊपर वाला पंख और नीचे वाला पंख एक साथ लेके आ जाए। आप लोग देख सकें जा कितने ओकरे बाद ये पंख के बीच के हिस्सा में गोंद लगा के ऊपर तितली का बीच का शरीर चिपका लें। आप लोग देख सके नीचे कितने ओकरे बीच के शरीर में आप लोग ओकर चेहरा और ओकर दूगो एंटीना भी बना सके नीचे। आप लोग देख सके नीचे तैयार तितली कैसन दिखत हवे हवे ना बहुत सुंदर। यही तरह अलग अलग तरह का अलग अलग रंग के कागज से आप लोग तितली का बहुत सारा मॉडल बना सके नीचा, एगो पूरा परिवार बना सके नीचा। आप लोग देख सके नीचा कैसन दिखत हवे पूरा।